नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि ग्लाइकोजन क्या होता है। इसके बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में पुराने कुछ वीडियोस में मैंने बोल रखा है, ग्लाइकोजन शब्द का काम ले रखा है। मैंने कहा था मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में ऊर्जा को बचा के रखने का, जमा करके रखने का एक तरीका है। हमारे शरीर में ऊर्जा जमा करने के दो मेन तरीके हैं, दो खास तरीके हैं। एक तो चर्बी के रूप में ऊर्जा जमा की जाती है और एक दूसरा है ग्लाइकोजन स्टोर्स में। जब हमारे शरीर को कोई ऐसा टाइम आता है जब जैसे खाना नहीं मिल रहा है या किसी कारण से ऊर्जा की ज़रूरत है, तो चर्बी को तोड़ करके ऊर्जा निकालती है, वैसे ही ग्लाइकोजन से भी हमारा शरीर ऊर्जा निकालता है। तो आगे आने वाले समय के लिए ऊर्जा को जमा करके रखने का तरीका है ग्लाइकोजन, जैसे चर्बी होती है वैसे। फर्क है, ग्लाइकोजन लिवर में और मसल्स में जमा करके रखा जाता है, लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। और ये ग्लूकोज की एक चेन है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जुड़ करके एक चेन बनती है, उसे ग्लाइकोजन कह देते हैं। ग्लाइकोजन और फैट में सबसे बड़ा फर्क जो आता है वो ये है कि ग्लाइकोजन तब काम आएगा जब हमें एकदम जल्दी से एनर्जी चाहिए हो। अगर कोई भी कसरत कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें एकदम से ऊर्जा की ज़रूरत है, तो शरीर जल्दी से तोड़ सकता है ग्लाइकोजन को। तो जल्दी से ऊर्जा चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन काम आता है। फैट को तोड़ने में शरीर को ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर हम जिम में वजन उठाते हैं, कसरत करते हैं, तो उसमें हमारी मसल्स काम आती है, उसमें हमें जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए होती है, तो वहाँ पर ग्लाइकोजन काम आता है, वहाँ पर हमारे ग्लाइकोजन के स्टोर्स काम आते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है, ग्लाइकोजन जो जमा करके हमारे शरीर में पड़ा रहता है, वो एक्सरसाइज करने से खपता है, एक्सरसाइज में वो काम आता है और वापस से उसे भरा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओगे वो धीरे धीरे पचेंगे, धीरे धीरे आपके मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के स्टोर्स जो हैं, आपके लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं उनको वापस भरेंगे। तो अगर मेरी ये मसल है तो इसके अंदर ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल रहते हैं, मतलब ग्लूकोज के बड़े मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइकोजन कहलाते हैं वो रहते हैं। जैसे जैसे मैं कसरत करता हूँ वो काम आते हैं, उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है जिससे मैं कसरत कर पाता हूँ, और फिर जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स टूट करके वापस से मेरे शरीर में ग्लाइकोजन के स्टोर्स को भरते हैं। ग्लाइकोजन अगर आपके मसल्स में ज़्यादा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा वजन उठा पाओगे, आपको एकदम साफ महसूस होगा कि मैं ज़्यादा वजन उठा पा रहा हूँ अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स भरे हुए होंगे तो। अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स काफ़ी खाली होंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार आज तो वजन उठ ही नहीं रहे। तो ग्लाइकोजन में काफ़ी फ़ायदा है कसरत करने में। ग्लाइकोजन जितना ज़्यादा होगा आपके शरीर में, ग्लाइकोजन की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने साथ में पानी को जोड़ के रखता है, तो जितना ज़्यादा आपके शरीर में ग्लाइकोजन होगा उतना ज़्यादा आपका शरीर पानी को रोक करके रखेगा, जिसके कारण आपकी जो मसल है वो बड़ी बड़ी दिखेगी, फूली फूली दिखेगी, तो आपको लगेगा अरे यार मेरा डोला तो बहुत बड़ा है या मेरी मसल तो बहुत बड़ी है। और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग ये सोचते हैं मसल बड़ी है लेकिन वो ग्लाइकोजन और पानी के कारण ज़्यादा बड़ी दिख रही होती जितनी होती है उससे। और यही कारण है कि लोगों का वजन कसरत करने के बाद कम हो जाता है क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन खपता है, तो ग्लाइकोजन जाता है उसके साथ में जुड़ा हुआ पानी भी निकल जाता है, तो हमारा वजन एकदम से कम हो जाता है। और जब हमारे ग्लाइकोजन स्टोर एकदम भरे हुए होते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ पानी भी आ जाता है, तो हमारा वजन काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब ग्लाइकोजन और उससे जुड़ा हुआ पानी आपके शरीर में कई किलो तक के वजन में फ़र्क डाल सकता है, 2-3-4 किलो तक के फर्क, इतना तक फर्क दे सकता है आपके शरीर में वजन में। तो मेन ग्लाइकोजन से हमें समझना है, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में ऊर्जा जमा करने की का एक तरीका है जो हमें कसरत में काम आता है, और जल्दी से हमें ऊर्जा चाहिए होती है किसी भी काम में तो ग्लाइकोजन से हमारा शरीर ऊर्जा निकालता है। ग्लाइकोजन जब ब्लड शुगर जो आपके खून में शुगर है वो पहले काम आएगी, उसके बाद में ग्लाइकोजन से तोड़ करके ऊर्जा निकाल जाएगी, सबसे पहले वो ब्लड शुगर ही काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, मैं आपसे अगली वीडियो